हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा ये कि सीयूटी का जो पेपर है वो पता, ये सीयूटी का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत से अच्छे देंगे। तो इस एग्जाम में बच्चों को ये डाउट आ रहा है नेगेटिव मार्किंग का, तो मैं आपको बता दूँ इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो लिखा भी ये देखो, आप देख सकते हो कि अगर आपने सही किया तो 5 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, और अगर आपने छोड़ दिया तो 0 नंबर है। तो ये इसका ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है इसलिए पेपर। देखो आपको पता है, जब नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में होगी तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है, क्योंकि कई बार पता है आपको लगता है ये वाला सही है, चलो लगा दो, लेकिन उसके बदले आपको -1 जब मिलता है तो आपकी रैंक बहुत हो जाती है। और जब बहुत बच्चे पेपर देते तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर से बहुत रैंक इधर उधर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है अभी से, अगर आप सीरियस हैं एग्जाम्स के लेके, तो आपको अपनी सही से पढ़ाई करना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऐसे एग्जाम्स में, तो इन चीज़ों ध्यान रखें। बाकी कोई भी अपडेट होगी, बाकी चैनल पर से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।